हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। और मेरे साथ है आज मोहम्मद राजाउल्ला, और बेसिकली कोलकाता से बिलोंग करते हैं। एंड अभी इनका ऑफ कैंपस में पीडब्ल्यूसी बिग फोर में सिलेक्शन हुआ है एज ए ओरेकल कंसल्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर बिग फोर में ऑफ कैंपस में सीएमएच के सिलेक्शन होते हैं या नहीं। तो मेरे पास आप सबके लिए एक स्टोरी है, प्लीज वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो हाय, हाउ आर यू? फाइन सर, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक्स टू कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड शेयरिंग योर स्टोरी। वेलकम। तो अच्छा, आप ये बताओ, जब आपको ऑफर मिला पीडब्ल्यूसी से, आपकी फीलिंग कैसी थी उस समय, कैसा फील हो रहा था आपको? सर मैं ना हमेशा जब इंटरमीडिएट में था तो मैंने पीडब्ल्यूसी में कम से कम 10 एप्लीकेशन डाला था फॉर इंटर्नशिप। ओके, बट जब मेरा रिजल्ट निकला, मैंने नौकरी प्रोफाइल अपडेट किया, तो वहां से सडनली मेरे को कॉल आता है कि हाँ, आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड हो गया और मैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर रही हूँ। तो मतलब वो अलग ही खुशी था। मुझे पता नहीं था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट वो जब शॉर्टलिस्टिंग का नाम सुना तो वो अलग ही खुशी था। फिर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल होता है और इवनिंग के 5 बजे इंटरव्यू शेड्यूल होता है और 30 मिनट का इंटरव्यू चला। एंड जब मैं सुबह अपना फोन ऐसे ईमेल जैसे ओपन किया तो वहां लिखा हुआ था, हे रजौल्ला, कांग्रेचुलेशन एंड प्लीज अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, ये सब लिखा होगा था। तो उस टाइम अलग ही लेवल का खुशी था कि जब मैं ठीक आज से 2 साल पहले मैं इतना ट्राई कर रहा था, 10 12 एप्लीकेशन डाला और सडनली मुझे विद इन अ डे ऑफर लेटर मिल जाता, तो अलग ही लेवल का खुशी था मेरे लिए। अच्छा, आपकी जर्नी में आपको मेरा कंट्रीब्यूशन कैसा लगा? आपका कंट्रीब्यूशन बहुत था, स्पेशली जो आपका नोट्स था जो वो बहुत हेल्पफुल था। ग्रेट। सो जो डेली का डिस सेशन होता था, मैं तो एक्चुअली मेरा रमजान सेशन था तो मैं तो देख नहीं, मतलब लाइव अटेंड नहीं कर पाता था क्योंकि उस टाइम मेरा वो ये था, तरावी का टाइम रहता था तो हम उस टाइम लाइव अटेंड नहीं कर पाता, तो बाद में मैं रिकॉर्डिंग देखता था। ओके ग्रेट। सो इट मीन्स जो मैंने आपको Naukri.com में सब ऑप्टिमाइजेशन की जो सेशन से सब बताया, वो काफ़ी हेल्प किया आपको? हाँ, वो बहुत हेल्प किया ओके एक्चुअली। ग्रेट। एक मैंने अपना नौकरी प्रोफाइल में अमाउंट डाल के रखा हुआ था कि मेरा सैलरी एक्सपेक्टेशन इतना था, तो एक दिन मैंने आपका वीडियो देखा कि वहां से वो रिमूव करो, मैं रिमूव किया, उसके नेक्स्ट 2 3 दिन के बाद ही मेरे को अच्छे खासे मतलब रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हो गए, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था वो। ओके ग्रेट। अच्छा, जब आपके फैमिली को मालूम हुआ कि आपका सिलेक्शन हो गया है पीडब्ल्यूसी में और आप ओरेकल कंसल्टेंट, आप वहाँ पे ज्वाइन करने वाले हो, तो उनका रिएक्शन कैसा था आपके लिए? और रिएक्शन मतलब बहुत ही अलग था क्योंकि मैं लास्ट सितंबर से सितंबर 2023 से मैं बैठा हुआ था, तो जब आफ्टर 9 मंथ्स और 9 और 8 मंथ्स जब जॉब मिलता तो अलग ही खुशी होता है, हाँ, ये तो वो अलग डेफिनेटली लेवल का है, खुशी था। राइट। काफी अच्छा लग रहा होगा सबको। अभी तो आपने जॉब बहुत अपनी स्टार्ट कर दी है। मेरा लास्ट जून से इस जून से ये मेरा 4 जून से स्टार्टिंग है। आपने जो सोच के सीएमए कोर्स ज्वाइन किया था, क्या आज आपको सारी चीजें मिल रही है? हाँ, अभी मिल रही, अभी तो मिलना स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे करके सारी जो भी डिजायर थे, विशेष थे, वो पूरे हो जाएंगे, बट वो स्टार्ट हो चुका है। वो स्टार्ट हो चुके हैं, काफी अच्छी बात है। और आप आईटी कंपनीज में आ चुके हो। हाँ, अभी स्टार्टिंग में आपको पैकेज अप्रोक्स 7 लाख के अप्रोक्स आसपास में मिला है, बट अगर आप सही से 2 साल इस प्रोफाइल पे आप काम करोगे, तो मैं 100% श्योर हूँ आप 14-15 लाख आप नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद आप इजिली आप अर्न कर सकते हो। सो जस्ट फोकस ऑन द लर्निंग पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी में। अभी तो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि डोमेन से डायरेक्ट टेक्निकल बहुत डिफिकल्ट हो रहा है अभी, बट हाँ सही वो बोल रहे स्टार्टिंग में होता है। अच्छा, जब आप हैं। सीएमए बने, उस दिन आपका जब रिजल्ट आया, उस दिन का मोमेंट आपके लिए कैसा था? एक्चुअली जब मेरा रिजल्ट आया तो उस दिन मेरा कैपजेमिनी का इंटरव्यू शेड्यूल था, तो मैं कैपजेमिनी गया हुआ था इंटरव्यू देने के लिए, बट वहां मैं 9 बजे वहां पहुंचा, 9:30 में देखा मेरा रिजल्ट आ चुका है, तो वहां मैंने रिजल्ट सीन किया। और वहाँ कैपजेमिनी में मेरा मतलब एचआर राउंडी के करीब था कि वहां भी सिलेक्शन होने वाला ही था, तो जब मेरा वो इंटरव्यू ले रही थी एचआर, तो मेरा उससे पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो मैंने एचआर को बोला कि एक्चुअली अब तो हम सीएमए बन गए, तो अब तो मेरा एसोसिएट लेवल के लिए होगा नहीं, आप अगर दूसरा ऑफर कर सकते हो तो ठीक है, तो बोले नहीं फिर मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करूंगी। फिर मैंने घर कॉल किया, बताया कि हाँ मेरा क्लियर हो गया, तो सभी बहुत खुश थे। अच्छा, आपने एचआर को ऐसा नहीं बोला कि मैम मैं आने से पहले सेमी क्वालिफाइड था और यहाँ आते ही मैं क्वालिफाइड हो हाँ, मैं यही गया? बोला क्योंकि वो मेरा लास्ट राउंड था ना, तो मैं वही बोला। ओके ग्रेट। सो
सो फाइनली अच्छा, आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला कि लाइक मेरे मेंटरशिप कोर्स के बारे में, और आपको किसी ने सजेस्ट किया था ज्वाइन करने के लिए? नहीं, मैं आपका YouTube बहुत पहले से, जो इंटरमीडिएट में गया था तब से ही सब्सक्राइब करके था, तो वहां से देखता था। मतलब जब भी कैंपस वैंपस होता था तो मैं देखता था कि हाँ क्या हो रहा है, नहीं तो वहां से मैं आपको जानता था। फिर मुझे लगा ज्वाइन करना चाहिए, तो फिर मैंने आपको कॉल किया था इवनिंग में कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है कोर्स, तो ज्वाइन कर लिया। ओके ग्रेट. सो जो सोच के आपने मुझे ज्वाइन किया वो सारी चीजें आपको मिली, राइट? हाँ वो सारी 100। ओके अच्छा, एक चीज और ये भी है, आपने सीएमए इंटर एंड फाइनल, आपने सीएमए फाउंडेशन से स्टार्ट किया था या फिर इंटर से स्टार्ट किया था, फाउंडेशन से मैंने सीएमए में फाउंडेशन से स्टार्ट किया। और आपके अटेम्प्ट्स लगे थे सीएमए जर्नी में? हाँ मेरा ग्रुप थ्री में दो तीन अटेम्प्ट लगा एक्चुअली, बाकी सब फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, ग्रुप थ्री में सिर्फ 3 अटेम्प्ट लगे, बाकी सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया. तो आखिर क्या ऐसे रीजंस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे जिसकी वजह से आपको ग्रुप थ्री में मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपको देना पड़ा? एक्चुअली उस समय मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी चल रहा था पीएसयू में, तो जब मैं दिसंबर 2022 में दिया तो मुझे सिर्फ 2 मंथ्स का ब्रेक मिला था, जिसमें मैंने बहुत ग्रुप का तैयारी किया, तो उसमें मेरा ग्रुप फोर तो निकल गया बट ग्रुप थ्री समहाउ नहीं निकल पाया। तो वो उसके मैंने मेन प्रॉब्लम था कि मैं सारा सब्जेक्ट खुद से कर रहा, मतलब खुद से किया, मैंने कहीं से क्लासेज नहीं ली, तो जिसके वजह से वो कहीं थोड़ा बहुत लैक हो रहा था ग्रुप थ्री में, क्योंकि वो एज कम्पेयर टू ग्रुप फोर थोड़ा ज्यादा टफ होता है, तो जिसके वजह से वो थोड़ा अटेम्प्ट लग गया। बट बाद में मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, जैसे मेरा कॉस्ट कैरियर थोड़ा वीक था तो मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, थोड़ा यूट्यूब रेफरेंस रिविजन वीडियो सब देखो के मैंने उसको सही किया, फिर मैंने ग्रेट. सो आपकी नंबर ऑफ आवर्स, आप कितना पढ़ाई करते थे जब अपने पेपर्स आपने सारे क्रैक किए, कितने घंटे पढ़ाई को देते थे? टू बी ऑनेस्ट, तो जब मेरा ट्रेनिंग चल रहा था तो उस टाइम मैं सिर्फ 5 आवर्स पढ़ता था, बट हाँ जब ट्रेनिंग फिनिश हो गया तो 8 to 10 आवर्स। 8 to 10 hours मेरा से ऐसा नहीं एकदम. था कि हाँ मतलब पूरा टाइम फिक्स है, जैसे मॉर्निंग उठता था लिख देता था कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, वो चैप्टर अगर मेरा 6 आवर में कंप्लीट हो गया तो फिर हो गया डन, कोई ओके अच्छा, डिफाइंड आवर नहीं। आप प्रॉपर, आप कोलकाता से हो? हाँ प्रो, नहीं मैं एक्चुअली बिहार से हूँ, दरभंगा से, बट फैमिली के साथ यहाँ रहता। ओके, बिहार दरभंगा से. सो कहीं ना कहीं जैसे मैं खुद भी बिहार से हूँ, तो हमें एक प्रॉब्लम आता है इंग्लिश में, स्टार्टिंग फेज में हम इंग्लिश को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर इंग्लिश लॉ का पेपर काफी चैलेंज करता है. तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ चैलेंजेस थे इनिशियल स्टेज में? नहीं, क्योंकि मेरा 10th तक तो बिहार बोर्ड ही था, उसके बाद मैं कोलकाता मूव किया तो यहाँ मेरा इंग्लिश मीडियम था, तो हाँ ओके स्पीकिंग में थोड़ा लैक हुआ बट राइटिंग में नहीं। ओके, स्पीकिंग में लैग था, राइटिंग में नहीं था. ओके ग्रेट. सो लॉ के सब्जेक्ट्स में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपने इजीली अच्छे से कर लिया? ओके एंड आपने इंटर फाइनल दोनों बोथ ग्रुप दिया था या फिर आप सिंगल सिंगल ग्रुप के लिए आप गए थे? इंटर मैंने बोथ ग्रुप एक साथ दिया, फाइनल भी मैंने बोथ ग्रुप दिया, बट वो ग्रुप फोर क्लियर हो गया, फिर ग्रुप थ्री रुक गया, तो उसके बाद ग्रुप थ्री बाद में क्लियर। अच्छा, ओके. तो आपकी जो जर्नी थी यहाँ से, जब आपने फाउंडेशन से आपने स्टार्ट किया, तो आपको सीएमए कोर्स के बारे में आपने यूट्यूब से ही देखा या फिर आपको आपके किसी रिलेटिव्स में या कहीं से आपको मालूम चली थी? नहीं जब एक्चुअली जब मेरा 12th का रिजल्ट आया, तो जहाँ से मैंने 12th की ट्यूशन लिया था, तो सर को मैंने कॉल किया कि सर मेरा क्लियर हो गया, तो ईद का टाइम भी था, तो सर बोले ठीक है एक काम करो मेरे घर पे आ जाओ, तो मैं वहां गया तो सर ने बोला कि तू सीएमए कर लो, तो मेरे को नहीं पता था, मेरे को लगा कि सीए का ही अल्टरनेटिव नेम होगा सीएमए, तो मैं घर आया एनरोल कर लिया। फिर 2-3 दिन बाद जब यूट्यूब पर सर्च उर्च किया, जब देखा सारा कुछ, तब मेरे को पता चला नहीं ये सीएमए, ये सीए और सीएमए दोनों अलग है, तो वहां से मेरे टीचर ने मुझे रिकमेंड किया था कि तुमने सीएमए का। तो टीचर के सजेशन से आपने सीएमए कोर्स आपने ज्वाइन किया और फिर आप अभी यहाँ पहुँचे हो. तो अभी आपने टीचर को अपने बताया कि सर मेरी अब जॉब भी हो गई हाँ है? एक्चुअली जब टीचर 12th से लेके अभी भी, जब मैं प्रोफेशनल बन भी गया हूँ, तब वो तब मतलब शुरू से लेके अब तक हम लोग कनेक्टेड है बहुत अच्छे से। नहीं, बहुत अच्छी बात है, टीचर से कनेक्टेड रहना चाहिए. आप मेरे से भी कनेक्टेड रह सकते हो हमेशा, आपको कभी भी कुछ लगता है हाँ मैसेज कर सकते हो. तो आपको कैसा लग रहा है एट द एंड, सारी चीजें पिक्चर्स में आ रहे हैं, लाइक मतलब रिवाइंड जो हो रहा है माइंड में? सब कुछ, अभी जब एग्जाम चल रहा है, अभी जब फाइनल और इंटर का एग्जाम चल रहा है, तो मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो उसी रूट से जाता हूँ जहाँ से मेरा सेंटर पड़ा था, तो 9 बजे मेरा ऑफिस रहता है, तो जब वहां से गुजरता हूँ, जब सारे स्टूडेंट को देखता हूँ, तो मुझे अपना वो पूरा सारा कुछ रिमाइंड आता है कि अच्छा लास्ट ईयर तक हम भी इसी लाइन में खड़े थे। या ये तो होता है.
तो अभी स्टूडेंट्स को लास्ट में आप कोई सजेशन, कुछ टिप्स आप देना चाहते हो? हाँ मतलब टिप्स ये है कि जो भी है, मतलब आई मीन अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं क्लास से लेके पढ़ रहे हो, तो ऐसा ये मतलब बहुत सारे होते हैं ना कि डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ मुझे 10 आवर 12 आवर पढ़ना है। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा डिफाइन कर लिए 12 आवर पढ़ना, और जब आप पढ़ने जब जब 12 आवर पढ़ के आप बाहर निकलो तो पता चला कि आपका 6 आवर भी प्रोडक्टिव वाला स्टडी नहीं हुआ। तो आप एक अर्ली मॉर्निंग या जब रात को सोने जाओ तो एक नोट डाउन कर लो, हाँ मुझे क्या चीज पढ़ना है क्या सब नहीं पढ़ना, उस अकॉर्डिंग अपना प्लान करो और रेगुलर मतलब जो भी प्लान करो उसको अचीव करने का कोशिश करो। और मतलब आप धैर्य बना के रहोगे ना, तो मान लो कि अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी मतलब बाय द वे किसी भी चांस से फेल हो रहा है, तो कितना ना बहुत सारे निगेटिव थॉट आने लगते हैं कि हाँ आप छोड़ देना चाहिए, कुछ भी कर लेना चाहिए, कोई और कोर्स परस्यू कर लेना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आपको धैर्य बना के रखना चाहिए और लास्ट में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। अच्छा, आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करोगे कि सीएमए बनने के बाद वो मेरे मेंटरशिप कोर्स को भी ज्वाइन करे? हाँ जरूर जरूर, अभी मेरे जो है मतलब जो मेरे साथ थे ट्रेनिंग में, उन लोग को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि हाँ जब वो बनेंगे तो जरूर ज्वाइन करें। अच्छा, मेरे कोर्स में आपको सबसे खास बात क्या लगा? लाइक मेरा सपोर्ट हमेशा आपके लिए, या क्या चीजें आपको अच्छी लगी? हाँ सबसे अच्छे टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना वो जो नोट्स था ना बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि जो नोट्स मैंने जो कोर्स में मैं फेल हुआ ना, अगर वो मैं आपका मेंटरशिप लेके वो अगर वो बुक मुझे पहले मिल गया रहता ना, तो टू बी ऑनेस्ट मेरा बहुत अच्छा होता। क्योंकि मेरा नेस्ले में भी इंटरव्यू हुआ तो वहाँ प्योर कॉस्टिंग प्रोफाइल था, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट समहाउ कुछ रीजन से नहीं हुआ। वो नोट्स अगर वो सब मिल जाता ना मेरे को, तो और मेरा जो एकेडमिक में जो मार्क्स था कॉस्टिंग में वो और ही अच्छा होता। हालांकि अभी भी अच्छा है, 72 मार्क्स है, बट और भी अच्छा होता। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर पीडब्ल्यूसी जर्नी। पीडब्ल्यूसी में सीएमए का नाम रोशन करो, ओरेकल कंसल्टेंट बनो, और अपने कम्युनिटी में और भी बहुत सारे बच्चे हैं ओरेकल कंसल्टेंट प्रोफाइल पे, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। लाइक लास्ट सेशन आपने देखा होगा, रितेश ने लिया था ओरेकल के ऊपर ही अपने बैच में। ही इज ऑलरेडी वर्किंग फॉर द ओरेकल कंसल्टेंट फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। श्योर सर, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय।